रिजर्जिटेशन, है ना। सिंपली माइट्रल रिजर्जिटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका माइट्रल वॉल होता है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। तो माइट्रल वॉल अगर इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा तो इसका मतलब है जो वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है वो एट्रिया में नहीं आना चाहिए, है ना, लेकिन ये उसको रोक नहीं पाएगा। तो आप कहते हो दिस इज ड्यू टू इनकॉम्पिटेंसी ऑफ माइट्रल वॉल, दिस इज ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट माइट्रल वॉल, ठीक है। और अगर माइट्रल वॉल इनकॉम्पिटेंट होगा तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, इस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा किसी भी रीजन से माइट्रल वॉल, तो जो ब्लड होगा एओर्टा में तो जाएगा ही, थोड़ा सा ब्लड रिगर्जिटेट होके आपका लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा जो कि नहीं जाना चाहिए था, है ना। तो आगे लिख लेते हैं, इनएबिलिटी ऑफ मिट्रल वॉल टू प्रिवेंट ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल, है ना। इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिस्टोल में कोई फ्लो नहीं होना चाहिए था लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में, है ना, लेकिन अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एबनॉर्मल है और ये सिस्टोल के समय हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जिस समय ब्लड फ्लो होगा अगर वो एबनॉर्मल डायरेक्शन या एबनॉर्मल ओपनिंग से हो रहा होगा किसी भी रीजन से, तो वहाँ कुछ ना कुछ टर्बुलेंस क्रिएट होगा और वहां पे कोई ना कोई मर्मर मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ सिस्टोल में ब्लड गया है इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिख लेना जरूरी है कि यहाँ पे सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा और पूरे सिस्टोल के समय लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर काफी ज्यादा होगा। तो पूरे सिस्टोल में अगर माइट्रल रिजर्जिटेशन है तो चांस है कि पूरे सिस्टोल में, जब तक सिस्टोल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता रहेगा, ठीक है। तो देयरफोर वी गेट अ पैन सिस्टोलिक मर्मर, है ना, लिख लेते हैं देयरफोर वी गेट अ पैन सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत इजी है ना। अब ये भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी को माइट्रल रिजर्जिटेशन है तो उसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। इंडियन सिनेरियो में क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्टिव डिसीज ज्यादा होती है तो उसके रिजल्ट में हमें एक रूमेटिक हार्ट डिसीज या एक्यूट रूमेटिक फीवर में माइट्रल रिजर्जिटेशन सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कॉजेज ऑफ माइट्रल रिजर्जिटेशन क्या होते हैं तो उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा आपके रूमेटिक हार्ट डिसीज का, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं कॉजेज में या इटियोलॉजी में, इटियोलॉजी, ठीक है। इसको एक्यूट और क्रोनिक के फॉर्म में कर सकते हैं। क्रोनिक का मतलब जिसमें बहुत टाइम से रिगर्जिटेशन हो रहा हो, तो पहला इसमें लिख लेते हैं कॉजेज ऑफ क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो इसमें पहला लिख लेते हैं क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो आप लोग आगे चल के रूमेटिक हार्ट डिसीज पढ़ोगे भी, है ना। तो रूमेटिक हार्ट डिसीज जब पढ़ोगे तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ जो पहला रीजन है लिख लेते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज, रूमेटिक हार्ट डिसीज RHD, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा बेटा अगर किसी को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है तो उसमें भी आप लोगों ने देखा था जो वेल्व्स होते हैं उनके बीच में होल बन जाता है, रप्चर कर जाते हैं वॉल्स। तो क्या होगा, रप्चर कर जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो ब्लड फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रोक रहे थे वो नहीं रोक पाएंगे, है ना, तो इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे। सेकेंड आप लिख लीजिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये भी हम लोग अलग से डिसीज पढ़ेंगे, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, IE। तो ये भी आपके एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन होता है तो आप कहते हो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक हार्ट डिसीज में सारे हार्ट के लेयर्स के पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम मायोकार्डियम तीनों का इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मेनली वेल्व्स गड़बड़ हो जाते हैं आपके या एंडोकार्डियम का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसी टाइप से एक डिसीज होती है माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स,
माइट्रल वेल प्रोलैप्स, ठीक है। माइट्रल वॉल क्या होता है, प्रोलैप्स कर जाता है किस तरफ, लेफ्ट एट्रियम की तरफ, तो उस तरफ खुल जाएगा, तो अगेन क्या होगा आपका, रिगर्जिटेशन होने लगेगा, है ना। इसके अलावा रप्चर ऑफ कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है। अगर कॉर्डी टेंडिनी ही होते हैं जो माइट्रल वॉल को उसकी पोजीशन में रोके रहते हैं, अगर कॉर्डी टेंडिनी बड़े हो गए, रिलैक्स हो गए या रप्चर हो जाएगा, तो वेल्स को एवल्ज करने के लिए रोक नहीं पाएंगे किधर, लेफ्ट एट्रियम की तरफ, है ना। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसीजेज जो आपके होते हैं उसमें भी रिगर्जिटेशन हो जाए, है ना, उसकी वजह से भी रिगर्जिटेशन हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने कॉज पढ़ लिए हैं जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि माइट्रल वॉल विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। इसको देख थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन हम लोगों ने ले लिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, मैंने इसमें केवल हार्ट का एक ही चैम्बर बनाया है, मान लीजिए ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, ये माइट्रल वॉल्स है आपके, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या करता है कि यहाँ पे ये डैमेज कर देता है, कुछ ना कुछ होल बन जाता है, ठीक है, होल फॉर्मेशन, होल फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी टिश्यू होगा उसको डैमेज कर देगा, तो यहाँ होल बन जाएगा। तो जब होल बन जाएगा तो अभी रोकेगा कैसे ब्लड, इससे पार हो जाएगा ब्लड, है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक होल बना देते हैं। तो जब भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है तो ये वॉल्स या तो रप्चर हो जाते हैं या तो होल बन जाता है ना। तो इस टाइप से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वेल्स के बीच में स्पेस जनरेट हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रप्चर और होल फॉर्मेशन इन माइट्रल वॉल, और बाकी वेल में भी हो सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे माइट्रल वेल पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से अगर किसी को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है तो वेल के बीच में स्पेस बन जाता है, कि मान लो बंद भी हो गए, ठीक है, फिर भी आप देख पा रहे हो बंद होने के बावजूद भी वॉल्स के बीच में स्पेस है, तो ब्लड ऊपर चला जाएगा, मतलब रिगर्जिटेशन हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में ब्लड नहीं आना चाहिए था अब उस डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं रिगर्जिटेशन कैसे होगा। इसी टाइप से जो आपके कॉर्डी टेंडिनी होते हैं वो वेल्स को ऊपर जाने से रोकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कॉर्डी टेंडिनी की बात करें, हम एक ही चेम्बर अभी यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैंने कह दिया कि मान लीजिए ये माइट्रल वेल्स हैं, ये माइट्रल वेल्स हैं आपके इस टाइप से, ये इस समय क्लोज्ड उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कुछ कुछ टेंडन लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जो इस वॉल को रोके रहेंगे, इसको ऊपर नहीं जाने देंगे इस तरीके से, ठीक है, इसको ऊपर जाने से रोकेंगे। और जब ये कॉर्डी टेंडिनी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वॉल खुल जाएगा, है ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए ये कॉर्डी टेंडिनी है आपके, कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है, अब ये नॉर्मल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेल्व ओपन हो जाएगा, देख लो, इस तरीके से है। मान लीजिए ये आपके वेल्व्स हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपको वेल्व ओपन करने हैं, तो ये वेल्व आपका ओपन हो गया, तो जो कॉर्डी टेंडिनी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, है ना, इस टाइप से। तो अगर कॉर्डी टेंडिनी कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वॉल्स आपके ब्लड फ्लो कराते हैं, तो ये मैकेनिज्म होता है वॉल के ओपनिंग के। यहाँ लिख लीजिए कॉर्डी टेंडिनी कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज ओपनिंग ऑफ माइट्रल वेल्व। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस कॉर्डी टेंडिनी को आपने रप्चर कर दिया, मान लीजिए आपने कॉर्डी टेंडिनी को किसी भी रीजन से कॉर्डी टेंडिनी का रप्चर हो गया, अब ये वॉल ऊपर चले जाएंगे ना, आप लोग देख पा रहे होंगे। मान लीजिए कॉर्डी टेंडिनी नहीं होंगे तो एक और डायग्राम बना लेते हैं, उसमें आप लोग देख पाओगे कि
अगर कॉर्डी टेंडनी नहीं होंगे या मान लीजिए कुछ रप्चर हो गए, तो वेल्व लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक कॉर्डी टेंडनी बचा है, बाकी सब रप्चर हो गए, तो अब क्या होगा, वेल्व को ये रोक नहीं पाएगा, ये वेल्व ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ का कॉर्डी टेंडनी रेप्चर हो गया, एक एक बचे हैं, ठीक है। तो एवल्जन ऑफ माइट्रल वॉल इनटू लेफ्ट एट्रिया ड्यू टू रप्चर और एब्सेंस ऑफ कॉर्डी टेंडिनी, है ना। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, ब्लड जो यहाँ होगा वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऐसा होगा तो आपको मिलेगा रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना रिगर्जिटेशन का मैकेनिज्म समझना बहुत ही इजी था, और इससे ज्यादा अभी हम लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं कि और कैसे हो सकता है, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं अभी क्या क्या कॉजेस हम लोगों ने एक्यूट के लिए पढ़े हैं, ठीक है, सॉरी क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन के लिए पढ़े हैं, देख लेते हैं। हम लोगों ने क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन मतलब जिसको काफी दिनों से हो रहा हो या बार बार माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा हो, उसमें एक रूमेटिक हार्ट डिसीज देख ली, ये हम लोग आगे कंप्लीट वे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देख लिया हम लोगों ने, उसमें होगा क्या, जो वेल्व्स के आपका जो वेल्व होगा वो डैमेज हो जाएगा और बीच में स्पेस बन जाएगा जिससे ब्लड आपका लीक करता रहेगा, किस तरफ, एट्रियम की तरफ, जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना। इसके अलावा माइट्रल वॉल्व का प्रोलैप्स हो सकता है ना। प्रोलैप्स का मतलब माइट्रल वॉल्व आपका किधर चला गया, इस तरफ चला गया, तो यही चीज आपकी माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स है। तो अगर नेचुरली बिना रप्चर ऑफ कॉर्डी टेंडनी के हो तो माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स है, लेकिन अगर रप्चर हो रहा है कॉर्डी कॉर्डी टेंडनी का, तो आप उसको कहोगे रप्चर ऑफ कॉर्डी टेंडनी से माइट्रल प्रोलैप्स हो रहा है ना। तो माइट्रल प्रोलैप्स अपने आप में एक डिसीज भी हो सकती है या प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो सेकेंडरी कंडीशन भी हो सकती है आपका, अगर कॉर्डी टेंडनी आपके स्ट्रॉन्ग ना हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ गए होंगे, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स हो सकता है, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स नेचुरल भी हो सकता है, कुछ लोगों में ऐसी डिसीज होती है, मिक्सोमेटस माइट्रल वॉल्स होते हैं, ठीक है। और रप्चर ऑफ कॉर्डी टेंडनी है, रप्चर ऑफ कॉर्डी टेंडनी आपने देख लिया, कॉर्डी टेंडनी वॉल्स को ओपन तो कर सकते हैं और उसके बाद रोक लेते हैं, जब बंद हो जाते हैं तो ये यहाँ इस पोजीशन ला के लगभग रोक लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपने इनको डैमेज कर दिया या एक ही बचा है, तो अब ये वेल्व को एवल्ज करने से लेफ्ट एट्रियम में नहीं रोक पाएंगे। ऐसा कभी कोई कंडीशन होगा तो आप लोग कहोगे कि रप्चर ऑफ कॉर्डी टेंडनी, ठीक है। अब हम लोग एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन देख लेते हैं, ये तो हम लोगों ने क्रोनिक देखा, ठीक है, एक्यूट देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रोनिक देखा, तब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, एक्यूट एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन, सॉरी, तो अगर एक्यूट की बात करें तो इन्हीं में से कुछ कंडीशंस एक्यूट भी कराएंगी, है ना, लेकिन इनमें जो मेनली एक्यूट है, मान लीजिए किसी को चेस्ट ट्रॉमा हो गया, तो काफी डैमेज हो गया आपके हार्ट को, ठीक है, चाहे कॉर्डी टेंडनी उससे रप्चर हो गई हो, चाहे वेल भी रप्चर हो गए हो, तो पहला केस लिख लेते हैं हम लोग इसमें, चेस्ट ट्रॉमा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए किसी की कार्डियक सर्जरी हुई हो, उसमें आपकी कॉर्डी टेंडनी डैमेज हो गए हो या वेल डैमेज हो गए हो, तो दूसरा आप लोग लिख लीजिए कार्डियक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, ठीक है। और थर्ड आप लोग लिख लीजिए कि मान लीजिए किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हार्ट अटैक, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, MI, तो हार्ट अटैक, ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा मान लीजिए किसी को अभी अभी पहली बार इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है ना, तो डी आपने फिर से लिखना है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस।